कुछ दिन पहले संसद में हमारे देश के आईटी मिनिस्टर ने संसद में ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनीज को सख्त हिदायत दी कि उन्हें फेक न्यूज़ रोकनी है और भारत के संविधान के हिसाब से चलना है। तो इस सख्त हिदायत के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। आज यानी कि 25 जून को जो हमारे देश के आईटी मिनिस्टर हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के आईटी मिनिस्टर कौन है। चलिए, नहीं भी पता तो हम आपको उनका नाम बता देते हैं। तो हमारे देश के आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। तो इनका ट्विटर का अकाउंट था, ट्विटर ने इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था और ये कहा था कि उन्होंने जो है कॉपीराइट पॉलिसी का वायोलेशन किया है, इस वायोलेशन के चलते उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये तो नहीं पता कि हमारे आईटी मिनिस्टर ने कोई ऐसा वायोलेशन किया या नहीं किया, ये आगे जाके क्लियर हो पाएगा, लेकिन उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद, करीब एक घंटे के अंदर अंदर जो है उनका अकाउंट फिर से ट्विटर ने वापस कर दिया। लेकिन उनका अकाउंट सस्पेंड क्यों किया गया, क्या सच में उन्होंने वायोलेशन किया था या ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड करके कुछ और ही दिखाना चाहता था, तो ये धीरे धीरे बातें सामने निकल कर आएंगी। जैसे जैसे ट्विटर की तरफ से और जो हमारे आईटी मिनिस्टर उनकी तरफ से बयान आएंगे, ताकि पता लगेगा कि गलती किसकी थी, क्या सच में हमारे आईटी मिनिस्टर ने कोई कॉपीराइट वायलेशन किया था या फिर नहीं किया था। लेकिन एक बात साबित होती है कि जो ट्विटर की पॉलिसीज़ हैं, अगर उनकी कॉपीराइट को कोई वायोलेट करता है तो वो अकाउंट सस्पेंड कर देता है, चाहे वो किसी का भी हो। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमारे देश के आईटी मिनिस्टर हैं, उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब ये तो अलग बात है कि उनकी पॉलिसी ट्विटर वालों की वायोलेट हुई या फिर नहीं, लेकिन यहाँ साफ साफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ट्विटर अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करेगा या आगे नहीं करेगा, वो तो खैर आगे की बात है। और इसी को लेकर बैन ट्विटर इंडिया जो है ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है।